गाइज, आज के वीडियो में हम कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, और इनको अगर आप खरीदते हैं तो गाइज आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपके पैसे को 2 गुना से लेकर के 3 गुने तक ये कंपनीज कर सकती हैं। अभी फिलहाल ये कंपनीज काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको मिल रही हैं, इसलिए आपको अभी इनको खरीदना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन इन कंपनीज में करना चाहिए और आने वाले टाइम में ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा धूम मचा सकती हैं। और मैंने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च करके आपके लिए 5 ब्लू चिप ऐसे स्टॉक्स लेकर के आया हूं जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि अच्छी खासी बड़ी साइज की कंपनीज हैं, और इनका शेयर प्राइस जो है वो 500 रुपये से कम है। मैंने यहाँ पर 100 रुपये से कम के भी स्टॉक्स देखने की कोशिश करी थी, लेकिन गाइज उसमें जो कंपनीज आ रही थी फिल्टर करने पर, वो कंपनीज फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज आपको सजेस्ट करनी चाहिए, प्राइस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज ऐसी सजेस्ट करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जो 500 रुपये से जिनका स्टॉक प्राइस कम है और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपके पैसे को 2 से 3 गुना कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज को क्यों सजेस्ट किया है, क्यों इस वीडियो के अंदर ब्लू चिप स्टॉक्स को मैंने इंक्लूड किया है। गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद भी ब्लू चिप कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरा मानना है कि हर किसी इंसान को ब्लू चिप स्टॉक्स में यानी कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। इसके 4 मेजर रीजंस आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बजाय के स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज के या म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। तो गाइज, यहां पर आपको 4 रीजंस बताने वाला हूं। पहला ये रीजन है गाइज, अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर जो आपका डाउनसाइड रिस्क है यानी कि जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, एक्चुअली 0 हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 साल, एटलीस्ट 3 से 5 साल की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपका जो डाउनसाइड रिस्क होता है ब्लू चिप स्टॉक्स में वो बिल्कुल 0 हो जाता है। यानी कि आप जो पैसा लगाएंगे उस पर आपको 50-60% का रिटर्न आराम से 3 से 5 साल में बन जाता है। बट यहां पर हमने ऐसी कंपनीज को इंक्लूड किया है वीडियो के अंदर जो आपके पैसे को आराम से 2 से 3 गुना कर सकती हैं। यहां पर दूसरा जो रीजन है ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है गाइज कि यहां पर आप एक्चुअली पैसा चाहे जितना भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब इन कंपनीज की मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। अब आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, आप सारा पैसा इन कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बना करके उसमें डाल सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब दूसरा फायदा यह हो गया कि इसमें आपका जो हायर अमाउंट है उसका कोई लिमिट नहीं रह जाता है, आप चाहे जितना अमाउंट डाल सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यहां पर डाउनसाइड का रिस्क नहीं है, दूसरा इन कंपनीज की साइज इतनी ज्यादा होती है कि यहां पर आप कितना भी पैसा डालें वो भी कम है। तीसरा फायदा गाइज यहां पर यह हो जाता है इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि यहां पर आपको 12 से 15% CAGR का रिटर्न तो मिलता है। कहने का मतलब है आपको म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपको 12 से 15 का मिनिमम अमाउंट मिल जाता है, उसी तरीके का यहां पर भी आपको 12 से 15 का मिनिमम रिटर्न हर साल मिलता है। यानी कि 1 रुपया सैकड़ा, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते भी हैं, तो 1 रुपया सैकड़े का ब्याज आपका यहां पर कहीं नहीं जाएगा अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब म्यूचुअल फंड में भी 12 से 15 का मिल रहा था, म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? तो गाइज उसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वहां पर आपका 1 से 1.5% की फीस तो चली जाती है एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में, दूसरा वहां पर रिस्क ये आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि यहां पर चौथा रीजन है हमारा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। यानी कि इन कंपनीज को, ब्लू चिप स्टॉक्स को आप कितने भी लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, इनफैक्ट जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं वो खुद 50-50 साल से मार्केट में काम कर रही है, जैसे कि मारुति है, हीरो है, बजाज है, ITC की बात कर लीजिए, डाबर की बात कर लीजिए, आप ब्रिटानिया की बात कर लीजिए, नेस्ले की बात कर लीजिए, HUL की बात कर लीजिए, तो जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वो सारी करीब करीब 50 साल से पुरानी है। रिलायंस हो, टाटा हो, IOCL हो, कोई भी बड़ी कंपनीज हो, सारी कंपनीज 50 साल से पुरानी ही कंपनीज है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जरूर से जरूर अपना एक पोर्टफोलियो ब्लू चिप स्टॉक्स का बनाना चाहिए। एक अलग सेपरेट डीमेट अकाउंट आप खोल लीजिए, इसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर में किसी भी फुल सर्विस ब्रोकर के पास आप अपना डीमेट अकाउंट बनाइए सेपरेट, और उसमें एक ब्लू चिप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना करके छोड़ दीजिए, और वहां पर जब भी वो स्टॉक्स डाउन हो उनको और खरीदिए, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है आपको अल्टीमेटली
अगर आप अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से आपको 100 करोड़ की वेल्थ भी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप अपना ब्लू चिप स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। फुल सर्विस ब्रोकर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरा डीमैट अकाउंट IIFL में है, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहां जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इन 5 स्टॉक्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। और भी हम इसी तरीके के वीडियोस फ्यूचर में भी लेकर के आएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए स्टॉक्स आप लिखिए, आप कमेंट में लिखिए स्टॉक्स, मैं इस तरीके के स्टॉक सजेशन के वीडियोस आपके लिए और ज्यादा लेकर के आऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम पर्टिकुलरली इस चैनल पर बात करते हैं। गाइज अब बात करते हैं इन 5 स्टॉक्स की जो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करना चाहता हूं। तो पहला जो स्टॉक है गाइज यहां पर वो है ITC। मैं यहां पर आपको ये स्टॉक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं गाइस क्योंकि यहां पर एक डीमर्जर होने वाला है। स्टॉक का प्राइस 332 रुपए के आसपास चल रहा है। आपको पता है ये कंपनी कई सारे अलग अलग बिजनेसेस में है, FMCG का बिजनेस है, सिगरेट का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, कई अलग अलग तरीके की इनकी कंपनीज हैं। और ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली अभी 332 रुपए में आपको मिल रहा है और इनका जो होटल का सेगमेंट है उसको ये डीमर्ज करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां पर इस स्टॉक में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है 2023 के अंदर ही आपके पैसे को डबल कर दे। पहला स्टॉक हो गया ITC। दूसरा जो स्टॉक गाइस आपको बताना चाहता हूं वो एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। 5 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिले, डाइवर्सिफिकेशन मिले। दूसरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि फ्यूचर है लाइफ इंश्योरेंस। अभी इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है, आगे चल के LIC का जो इंश्योरेंस कंपनी है इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। गाँवों में तो अभी लोग कोई ले भी नहीं रहे हैं इंश्योरेंस, तो धीरे धीरे ये पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आज की डेट में जो अच्छे समझदार लोग हैं वो 2 से 3 इंश्योरेंस कंपनीज रखते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना मार्केट जो है इसका वो कितना बड़ा है। और 3 ही प्लेयर्स हैं गाइज, चार प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं, ICICI है, HDFC, SBI और LIC। उनमें से मुझे लग रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जो है वो सबसे सही बैलेंस्ड स्टॉक है अभी खरीदने के लिए। बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड जो स्टॉक गाइज आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ उस स्टॉक का नाम है इंडस टावर्स। गाइज यहाँ पर सारे स्टॉक मैंने जो इंक्लूड किए हैं 50,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप रखते हैं और 500 रुपये से कम का इनका स्टॉक प्राइस है। इसी बात के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो मैंने स्टॉक थर्ड आपको सजेस्ट किया है वो है इंडस टावर्स। ये वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स बनाती है, इंस्टॉल करती है और उनको मेंटेन करने का काम करती है। इकलौती इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर जो टावर्स का काम करती है। इसके अलावा और भी छोटी कंपनीज हैं, उनके बारे में भी कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सबसे सही आपके लिए टावर इंस्टॉलेशन की कंपनी इंडस टावर्स हो जाती है। इसके अलावा चौथा जो स्टॉक यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है गाइज वो है PNB पंजाब नेशनल बैंक। स्टॉक प्राइस 60 रुपीज़ का है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अभी उथल पुथल चल रही है और पिछले 2-3 साल से बैंकिंग जो सेक्टर था, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, इस साल इन बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक भी इस ग्रोथ का पार्टिसिपेंट रहेगा, इसलिए प्लीज़ आप इस स्टॉक को भी अपने रडार पर रखिए और इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं लास्ट फाइनल स्टॉक की तरफ जिसका नाम है टाटा मोटर्स। गाइज ये जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है 72 रुपये पर गया था जब कोविड का क्रैश आया था, 2020 का जब क्रैश आया था कोविड का, 72 रुपीज़ पर गया था, 12 साल का सबसे लोएस्ट इसने टच किया था। उसके बाद 450-450 तक भी ये स्टॉक जा चुका है। अभी फिलहाल सही टाइम है इसको खरीदने का। इसकी स्टॉक प्राइस चल रही है 390 रुपये के आसपास। टाटा मोटर्स, टाटा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है वो टाटा उनमें सबसे आगे चल रहा है इंडिया के अंदर, तो टाटा मोटर्स को भी आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में स्टॉक लिखिए अगर आप इसी तरीके की स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमें MyCompany057 इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए। हम इसी तरीके की स्टॉक टिप्स आपको वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल वीडियोज़ में प्रोवाइड करते हैं, वहां पर अच्छी इंफॉर्मेशन भी देते हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज भी हम पोस्ट करते हैं। तो प्लीज प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा IIFL सिक्योरिटीज का, वहां पर जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इन 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना करके अच्छा पैसा लगा करके जितना आप लगाना चाहें इन कंपनीज में लगा करके छोड़ दीजिए। भूल जाइए 10 साल 15 साल 20 साल, भूलिए तो मत एक्चुअली। आप जब भी ये मार्केट गिरे, ये स्टॉक सस्ते हों, इनमें और इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा बहुत पैसा कमा पाएंगे अगर ब्लू चिप इन्वेस्टिंग करेंगे। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।